नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नामांकन की आज आखिरी दिन है, तमाम लोग नामांकन करके बाहर निकले हैं। से देखिए कि आप बताए बहुत गर, कुछ नया चीज़ क्या कुछ इस बार रहेंगे? नारी सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। आपके महिला क्षेत्र में किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करेंगे? सर, महिलाओं के लिए वो खुद पर डिपेंड हो सके, ऐसे के लिए उनको रोजगार कुछ छोटा मोटा जो भी है आपस में मिलजुल कर काम करने के। ठीक है, आप लोग सहयोग में आए, किस तरीके से चुनाव लड़ाएंगे इनको? हम लोग इसलिए लड़ाने जा रहे हैं कि महिलाओं को अब आगे वो उत्साह हो और गांव का विकास अच्छा हो। जी, क्या कुछ नया बदलाव होगा? अभी हम लोग देहात से शहर में जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, पहली बार। हाँ। तो जो पिछड़ा है सब गांव के अंदर विकास उसको लेकर काम किया जाएगा। अच्छा, विशेष रूप से महिलाओं को क्या जरूरत है इस समय इस परिवेश? सर, शिक्षा। शिक्षा के लिए किस तरीके से पहल करेंगे? सर, शिक्षा के लिए हम उनको मतलब वो प्रेरित करेंगे कि आप आइए, एक दूसरे से जुड़िए, और शिक्षा अगर रहेगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो शिक्षा तो ले लेती हैं लेकिन अक्सर वो घर में ही रहना पसंद करती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं के लिए हम ये कहेंगे कि वो अपने शिक्षा अगर ली है तो उसको पहचाने, और जो काम मतलब कि आप करना चाहती हैं उसको करने के लिए खुद आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते ही आपको मतलब एक दूसरे से जुड़ने की शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि एक अगर बाहर निकली तो उसका देखा देखी सब निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपका नाम क्या है और किस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? सर, मेरा नाम प्रियंका पटेल है। हाँ। हम 57 वार्ड से हैं। ठीक है, तो देखिए प्रियंका जी हैं और ये महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए शिक्षा की बात कहती हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग पढ़ाई लिखाई कराते हैं बेटा बेटी को, लेकिन बेटियां को सिर्फ रोटी बेलने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कह रही हैं कि शिक्षा की अति आवश्यक है और महिलाओं को लगातार जागरूक करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके से ये अपना अथक प्रयास करेंगी चुनाव जीतने के बाद। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में 13 तारीख को क्या कुछ नया निर्णय आता है। ग्राउंड जीरो सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।